विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में, इस वीडियो में, जो कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य के लिए है, उसमें हम काव्य के जो गुण हैं उन काव्य गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो ये समझने वाली बात है कि कोई भी कविता हो, कोई भी काव्य है, कोई भी कविता है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होते हैं, अर्थात उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। इसी को आधार बना करके जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने काव्य के गुण और दोष निकाले हैं, जिसमें से हम काव्य गुण को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है कि जो काव्य के गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिस पर सभी जो आचार्य हैं वो एकमत हैं, और उन्होंने सबने मिल करके काव्य के तीन ही गुण माने हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। लेकिन जो कुछ जो आचार्य हैं काव्य के दोषों के बारे में एक मत नहीं है। किसी ने काव्य जो दोष हैं उनको 10 माना है, किसी ने 12 माना है, किसी ने 15 माना है, यहाँ तक कि उनकी संख्या 21 तक भी मानी गई है। लेकिन मूल रूप से 10 या 12 जो काव्य दोष हैं उन्हीं को अधिकतर मान्यता दी गई है। तो यहाँ हम 10 के बजाय भी जो 12 जो दोष हैं, काव्य दोष हैं, उनको पढ़ेंगे जब काव्य दोष आएंगे उसमें। यहाँ हम काव्य गुण पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, कोई भी कविता हो, कविता आनंददायक है, करुण रस से परिपूर्ण है, वीर रस से परिपूर्ण है, विभत्स रस से परिपूर्ण है, नहीं या श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, शांत रस से परिपूर्ण है या भक्ति रस से परिपूर्ण है, किस रस से परिपूर्ण है, ये बात इसमें बताने की चेष्टा की गई है कि काव्य की आत्मा रस माना गया है, और उस रस के महत्व को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के अलावा यहां हम लिखने का प्रयास करेंगे व्याकरणाचार्यों ने काव्य गुण तीन माने। कितने माने हैं? तीन माने हैं। कौन कौन से माने हैं? नंबर एक, माधुर्य गुण। नंबर दो, ओज गुण। और नंबर तीन, प्रसाद गुण। इस तरीके से व्याकरणाचार्यों ने काव्य के ये तीन गुण माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीन गुणों में हम एक एक को लेकर के अब हम चलेंगे। ओज गुण और प्रसाद गुण है,
इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम माधुर्य गुण के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, माधुर्य गुण जिस रचना से, माधुर्य गुण में हम पढ़ने जा रहे हैं और माधुर्य गुण में हम पढ़ेंगे कि जिस रचना से अंतःकरण करुणा से द्रवीभूत करुणा से द्रवीभूत हो जाता है, इसको द्रवीभूत में यहां द्रवीभूत हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ये मान कर चलिए आप। अब इसकी कुछ पहचान मान लीजिए या फिर विशेषताएं मान लीजिए कि हम कैसे पहचाने कि भाई इस कविता में माधुर्य गुण भी है या नहीं है। इसके लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें हम नोट के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे। किसके रूप में? नोट के रूप में लिखेंगे, और इसमें भी एक दो की संख्या डाल करके लिखने का प्रयास करेंगे और कहेंगे जिस कविता को पढ़कर या सुनकर मन प्रसन्न चित मन प्रसन्न चित हो जाता है, तथा जिसमें टै वर्ग टै वर्ग का मतलब आप जान रहे हैं, टै ठै डै ढै, टै वर्ग रेप रेप का मतलब भी आप जान रहे हैं, ऊपर जो रर्रा चला जाता है, तथा
नहीं होता है। दूसरा इसमें लिखिए, श्रृंगार शांत और करुण रस, श्रृंगार शांत और करुण रस, पूर्ण कविताओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं कह लीजिए या फिर पहचान कह लीजिए, इसकी पहचान या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि इसमें कौन सा गुण है। तो देखिए, माधुर्य गुण कि जिस कविता को पढ़कर या सुनकर मन प्रसन्नचित हो जाता है तथा जिसमें ट वर्ग रेफ तथा लंबे समासों से युक्त शब्द या वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, श्रृंगार शांत और करुण रस्य पूर्ण जो कविताएं होती हैं उनमें माधुर्य गुण पाया जाता है। अब इसका एक उदाहरण आप लोगों को मैं यहां लिख रहा हूं। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोंह करे मोहिन हंसे, देन कहे नट जाए। देन कहे नट जाए। चाहे तो दूसरा उदाहरण और लिख लीजिए। शोभित शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, यही लगा लीजिए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटन चलत
रेणु वटरा ने चलत रहने तानु मंडित मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। तो देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सोए करे भोई न हसे देन कहे नट जाए। भगवान श्री कृष्ण की मुरली को गोपिकाएं छुपा करके रख लेती हैं और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी मुरली को मुझे दे दीजिए तो वो उसकी झूठी सौगंध खाती हैं और भौई भौं में हंसने का हंसती हैं। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं कि जिनको सुन करके या पढ़ करके मन आह्लाद से नाच उठे अर्थात प्रसन्नचित हो जाए वहाँ पर माधुर्य गुण पाया जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ हमने लिखवाया है कि जिस कविता को पढ़कर या सुनकर मन प्रसन्नचित हो जाए या जिसमें टैवर्ग रेफ या लंबे समासों से युक्त शब्द या वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर माधुर्य गुण पाया जाता है। अब आप लोगों के जो अगला गुण है वो है ओज गुण। पढ़कर या सुनकर चित्त में दीप्ति के द्वारा चित्तमय दीप्ति के द्वारा जो उत्साह जागृत हो जाता है वहाँ
ओज गुण होता है। तो देखिए, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर चित्त में दीप्ति के द्वारा जोश उत्साह जागृत हो जाता है वहाँ ओजगुण होता है, वहाँ ओजगुण होता है। तो देखिए, जो नियम हमने लिखे थे नोट लिखा था माधुर्य गुण में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम नोट लिखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ओज गुण किस प्रकार की कविताओं में कहाँ पर किस प्रकार की शब्दावली में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हम लिखेंगे, जिस रचना में द्वित्व वर्ण संयुक्त वर्ण तथा टै वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। और तथा लंबे समासों से युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें लिख लीजिए आप, वीर रस, रौद्र भयानक, रौद्र रस भयानक रस और विभत्स भी बड़ी है विभत्स में, विभत्स रस से पूर्ण कविताओं में ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण पाया जाता है। तो देखिए, इन दो जो ये नोट के रूप में जो दो नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको याद रखना अति आवश्यक है कि जिस रचना में द्वित वर्ण, संयुक्त वर्ण तथा टै वर्ग
टैवर्क का मतलब टै ठै डै धै के वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अर्थात टै ठै डै ढै वर्णों का प्रयोग ज़्यादा हो, द्वित वर्ण हो, संयुक्त वर्ण हो, तथा लंबे समासों से युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ओजगुण पाया जाता है। वीर रस से परिपूर्ण, रौद्र रस से परिपूर्ण, भयानक रस से परिपूर्ण और विवत्स रस से परिपूर्ण जो कविताएं होती हैं उनमें भी ओजगुण पाया जाता है। तो ये इसकी एक पहचान हो गई, ये मान कर चलिए आप, इससे आप आराम से आसानी से पहचान सकते हैं कि ओजगुण किस प्रकार की कविताओं में पाया जाता है। अब लिखेंगे हम इसका एक उदाहरण। चपेट नहीं चिक्कर ही मरकट तो देखिए जो ये कविता है, इस कविता में जगह जगह पर टे वर्ग का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है। नियम के मुताबिक कि जिस कविता में टे वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है या फिर द्वित वर्णों का या फिर संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर ओजगुण पाया जाता है। तो देखिए जो ये वर्ण हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाएंगे सारे के सारे, ये सब संयुक्त वर्ण हैं, अर्थात अनुस्वार लग गया तो अनुस्वार का अपना अलग से महत्व होता है और जिस वर्ण के ऊपर ये लग जाता है उसकी मात्रा एक के बजाय दो हो जाती है, इसलिए इसको संयुक्त अक्षर हम मान करके चलते हैं व्याकरण के अनुसार। तो ऐसे वाक्य या फिर ऐसा वाक्य विन्यास कि जहाँ पर द्वित वर्ण या संयुक्त वर्ण अधिक